हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाइक टिक चैनल में। तो दोस्तों, फाइनली यामाहा ने MT50 और R15 में नया अपडेट और नए चेंजेस लाए हैं, तो इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे हो, चैनल पे अगर आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको जो है पुराने वाले ही DRLs देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ओल्ड में मिलते थे। और यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलता है, दोनों साइड में स्टिकरिंग मिलती है। R15M का स्टिकर आपको ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सस्पेंशन आपको USD स्पोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है अभी तक। और आपको सबसे बड़ी बात, इसमें ड्यूल चैनल ABS मिलता है ब्लू कलर में। आपको अलॉयस मिलते हैं डायमंड कट शेप में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइब्री के कैलिपर्स मिलते हैं, 100 सेक्शन के आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जो कि MRF के टायर आपको मिल जाते हैं। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको 12 लीटर की देखने को मिल जाती है। और इसमें माइलेज आपको 40 से 45 का मिलता है। और इसकी टॉप स्पीड की अगर बात करें तो 145 से लेकर 50 तक भी ये आसानी से टॉप स्पीड पकड़ लेता है। बाकी इसका फ्रंट पे आप टैंक पे लोगो देख सकते हैं। रियर में ना आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, 140 सेक्शन के टायर मिलते हैं। और ब्लू कलर में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और बाइब्री के कैलिपर्स मिलते हैं। और यहाँ पे ओपन चेन सेट कवर मिलता है, लेडी फोर्ट्रेस मिलता है, साइड गार्ड आपको देखने को मिल जाता है, 6-स्पीड गियर बॉक्स आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी एल्यूमिनियम के आपको जो है फुटरेस देखने को मिल जाते हैं। और रियर सेक्शन की अगर बात करें, यहाँ टैंक कवर पर आप देख सकते हैं R15M का स्टिकरिंग देखने को मिलती है ब्लू कलर में। बाकी आपको पिलियन और राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको मिल जाता है। और पीछे टेल लाइट जो आपको LED में मिलती है, LED में। और जो इंडिकेटर्स है वो भी आपको LED में देखने को मिल जाएगी। नंबर प्लेट के नीचे जो एक हैलोजन की लाइट आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी ग्रैबरल्स आपको इंटरनल देखने को मिल जाएंगे, ना कि एक्सटर्नल मिलते हैं आपको। तो काफ़ी बेहतरीन बाइक लगती है ब्लू कलर के स्टिकरिंग में। तो फाइनल में बात करते हैं इसके मेजर अपडेट की। तो इसमें जो अपडेट हुआ है उसमें आपको TFT डिस्प्ले मिलता है। पुराने वाले में भी आपको डिस्प्ले मिलता था, बट उसमें आपको नॉन कलर देखने को मिल जाता था, यानी कि उसमें आपको कलर कोई भी देखने को नहीं मिलता था, ब्राइट मिलता था। यहाँ पर आपको जो है पूरा कलरिंग में TFT डिस्प्ले मिलने वाला है। इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मोड, स्पोर्ट मोड और स्मार्ट मोड, सारे काफ़ी फीचर्स इसमें दे चुके हैं। इसमें TCS कंट्रोल, ABS, बैटरी और इंजन टेम्परेचर, ABS और फ्यूल गेज, डिजिटल मीटर, ट्रिपोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और TCS क्विक शिफ्ट इंडिकेटर, सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। और ब्लूटूथ, सारे आपको स्मार्ट फीचर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट में बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग आपको 2,35,000 की ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। तो बस यही मेजर अपडेट थी, इसमें कोई कंपनी ने ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे कि यूजफुल ब्लॉग्स में, तब तक के लिए देखते रहे।